दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इस सुबह सुबह मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो आज मैंने क्यों चढ़ा दी है, क्योंकि सुबह सुबह आज मुझे खाना बनाना है जल्दी। तो मैं इस कढ़ाई में खाना बनाने से पहले क्या करूंगी कि ये मैं चिप्स पापड़ तलूंगी। तो ये तो घर के हैं चिप्स पापड़ जो आए थे, और ये हैं मार्केट के। तो इनको मैं तल दूंगी तो खाने के लिए हो जाए, क्योंकि कढ़ाई मैंने चढ़ाई है तो मैंने सोचा तल लेती हूँ। और ये मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ लपटा। कौन कौन जानता है लपटा क्या होता है? तो ये प्याज कट गया है और ये मेरी आम है। दोस्तों, आम लाए तो थे कच्चा समझ के, ऊपर से हरा था, और लाए थे कि पन्ना बनाएंगे आम का और चटनी वगैरह, पर पता नहीं ऊपर से तो हरे थे, अंदर से सारे पके थे। तो आधे तो मेरे तासू खा गया है छील छील के। अभी बचे हैं तो मैं इनका लपटा बना लेती हूँ। तो पके आमों का लपटा अच्छा बनता है, और प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा कटा हुआ है। तो अब मैं चिप्स पापड़ तल लेती हूँ पहले, फिर इसके बाद मैं लपटा छौंक दूंगी, इसके बाद फिर आगे का खाना बनेगा। तो दोस्तों, ये अब मैं तल ले रही हूँ पहले चिप्स पापड़। और चिप्स पापड़ जब तल जाएंगे मेरे, तो इसी में मैं अपना लपटा छौंक दूंगी। तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, और ये भी खाने के लिए हो जाएंगे बच्चों को, हम लोग भी चाय के साथ खा लेंगे। और दोस्तों, ये जब ताज़े ताज़े होते हैं ना, तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो कितने भी हों, सब जब सब लोग एक साथ बैठ जाओ ना, तो मतलब अच्छा खासा खा जाते हैं सब लोग। बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं। और ये सब चीज़ें ना सबके साथ ही खाने में अच्छी लगती हैं। अकेले आप खाओगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, जब सब लोगों के साथ खाने में आता है। और वैसे भी तल के ना ज़्यादा दिखने लगते हैं कि लगता है बहुत हो गए हैं, बट खाने बैठो ना तो नहीं समझ में आते कि हमने इतने खा लिए। और अब मैं उसी कढ़ाई में छौंक दे रही हूँ ये अपना लपटा। तो मैंने प्याज डाल दिया है, तो जब प्याज थोड़ा थोड़ा पक जाएगा, इसके बाद इसी में मैं मसाला और आम सब कुछ डाल दूँगी। गलती से प्याज पूरा चला गया है, बट कोई बात नहीं, पक जाएगा तो पक के अलग हो जाएगा। और अब मैं इसमें नमक डाल दिया मैंने, और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी देर में मसाले डाल दूंगी। हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक, बस यही पड़ता है। मतलब सिंपल बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से आप ये कह लो ना कि जैसे आम की कढ़ी, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी हम दही की बनाते हैं या लस्सी की बनाते हैं, और ये आम की कढ़ी समझ लो। जैसे साउथ इंडियन बनाते हैं ना इमली की कढ़ी, तो ऐसी आम की कढ़ी होती है एक तरह से। तो हमारी तरफ इसे लपटा बोलते हैं। अब अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से बोलते होंगे, तो दोस्तों मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो ये मैंने मसाले डाल दिए हैं। अब मसाले पकने के बाद मैं इसमें आम डाल दूँगी। और इनको पकने के बाद मैं इसे ढक दूंगी ताकि प्याज और आम अच्छे से गल जाएं। और जब आम गल जाएंगे तो इसके बाद इसी में मैं बेसन घोल के डाल दूंगी, और फिर पकने देंगे। और जब पक जाएगा तो बस खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने ढक दिया। अब
और धीमा कर देते हैं। और उधर मैंने चावल चढ़ा दिया है, और ये देखो प्याज और आम पकने के बाद मैंने इसमें बेसन का घोल लगा दिया। और इसमें बेसन ना कढ़ी से कम पड़ता है, जितना कढ़ी में थोड़ा बेसन ज़्यादा लगता है इसमें कम लगता है। अरे मेरे आम पक गए थे। अब और ये आम की डिश है तो इसी सीजन में बनती है जब आम आते हैं। और दोस्तों अब हो गई है शाम, और ये तासू नीचे से खेल के आ गए ऊपर। और ये मैंने घी चढ़ाया हुआ था बनाने के लिए, तो वही मैं तो चढ़ा के दूसरे काम करने लगती हूँ, बट सुनील उसको चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं। तो ये है कि उनके चलाने से ना जल्दी घी निकल आता है, और थोड़ा ज़्यादा भी निकलता है, क्योंकि शायद नीचे लगता नहीं, जलता नहीं, कि मुझसे कई बार नीचे लग जाता है। तो फिर वही अपना आके इसको परमानेंट चलाना शुरू कर दिए। तो और ये तानी इधर पढ़ाई भी कर रही हैं, फ़ोन भी देख रही हैं अपना। और ये मशीन लगाई थी आज, तो वही कपड़े पड़े हैं, तो अब उनको निकाल के फैला देते हैं। और आजकल तो मशीन के धुले कपड़े होते ना, तो टाइम भी नहीं लगता बिल्कुल सूखने में। आप डालो, डालने के आधा एक घंटे बाद एकदम सूख जाते हैं। तब आगे नहीं डालते गर्मियों में, सारे कपड़े यहीं पीछे ही सूख जाते हैं। और ये तानी की यूनिफॉर्म थी तो मैंने हाथ से धोई थी, नहीं तो कपड़ों के साथ डालने से ना ये होता है कई बार किसी का कलर वलर कहीं लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये मेरा घी बन के अब रेडी हो गया है, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको भर दूंगी डिब्बे में। और ये तासु खेल के आए थे, पापा से मांग रहे थे फोन, तो पापा ने फोन तो नहीं दिया, और ऊपर से बुक लेके बैठा दी कि पहले बुक को रीड करके सुनाओ। और ये दोस्तों इधर मैंने चढ़ा दिए चाय अपनी शाम की, और इधर मेरा घी अब मतलब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसे मैं गरम गरम ही छान दूंगी, क्योंकि थोड़ा गरम रहता है तो छानने में आसानी होती है। तो मैं इसको पहले बड़े वाले डिब्बे में छान लूँगी थोड़ा, क्योंकि वो रखा रहता है, और फिर थोड़ा सा रोज वाले में भी छान लूँगी। दोस्तों ये घी है ना तो खाने के लिए कम से कम होता रहता है मलाई का, नहीं तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाए। और तासू को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, वो घी सूखा खाता है। अब गर्मियों तो पिघला होता है, सर्दियों में जब जमा होता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अब दोस्तों मैं रोज़ वाला डिब्बा जो है, जो निकाल के रखते हैं रोटी में लगाने के लिए खाने के लिए, तो इसमें कर लूँगी। क्योंकि लंच वगैरह ले जाना होता है तो रोटी में घी लगाना, वैसे भी ये खाने की भी आदत भी है थोड़ा सा, मतलब रोटी में लगा के सब कुछ चाहिए होता है, तो मैं इसमें भी कर लूँगी। तो घी मैंने अपना छान दिया, और जो घी की मलाई बनी है तो आज इसके डिनर में बन जाएंगे पराठे। मेरे घर में सब बहुत खाते हैं, और आज मैंने बनाई है ब्लैक टी। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज ब्लैक टी बना लेती हूँ। और उसका रीज़न ये था कि दूध ख़त्म था, अभी आया नहीं। सुनील बोले कोई नहीं बाद में ले आएंगे, तो मैंने कहा चलो ब्लैक टी पीते हैं।
और कभी कभी पियो तो बहुत अच्छी भी लगती है। तो चाय और चीनी मैंने उसमें बॉईल कर ली थी, अब मैं नींबू ऊपर से डाल दूंगी। तो तासु ने बोला मम्मी मुझे भी देना ब्लैक टी, तो मैंने कहा चलो, तो उसके लिए भी निकाली हुई है। और ये भी सुबह के थोड़े से चिप्स के आलू के पापड़ बच गए थे, उनको किसी ने नहीं खाया, तो अब वही तासु खा रहा है। अच्छे लग रहे होंगे, जब ख़त्म हो जाती है चीज़ ना तो वैसे भी थोड़ी अच्छी लगने लगती है। तो मेरी ब्लैक टी रेडी हो गई है, जिसे पसंद हो आ जाए। और चाय वगैरह पीने के बाद अब तासु को बैठाया थोड़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी छुट्टियां चल रही, तो वैसे तो बुक उठाता नहीं, तो वही इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने में लगा पड़ा था। तो वही मैंने सोचा पढ़ाती हूँ थोड़ा सा, रीडिंग वगैरह तो कम से कम करता रहे। अभी होमवर्क आया नहीं गर्मियों वाला, नहीं तो हो जाता। पर टीचर ने पीटीएम में बताया था कि 2-3 दिन लगेंगे मैम, स्कूल बंद होगा तभी भेजेंगे, तो मैंने सोचा तब तक इसको रीडिंग ही कराते हैं, वैसे तो सुनता नहीं है। और हिंदी पढ़ने को बोलो तो नहीं पढ़ता, बस इंग्लिश की बुक लेके बैठ जाता है हमेशा, क्योंकि इंग्लिश आसानी से पढ़ लेता है, हिंदी इनको ज़्यादा कठिन लगती है। तो अब डिनर में बनाने थे मलाई के पराठे ही, तो मैंने सोचा तब तक मैं इसको पढ़ाती जा रही हूँ, तो साथ के साथ प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह भी काट लेती हूँ, तो मेरे दोनों काम होते जाएंगे। तो अब मैंने उसे हिंदी लेके बैठाया, तो उसी में कह रहा है मम्मी इतनी सुन हिंदी मुझसे नहीं पढ़ी जाती। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को यही दिक्कत होती है कि उनको हिंदी नहीं आती है, बेचारे जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं हम जैसे लोग, तो उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये तासु ने अपना चैप्टर हिंदी का फिनिश कर लिया था, और मेरा प्याज टमाटर भी कट गया था, और अब मैं चल रही हूँ डिनर बनाने। तो मेरा पैर पकड़ के बैठा है, कह रहा मम्मी पराठे मत बनाओ, हलवा बना दो सूजी का डिनर में, इतना हलवा मतलब मीठा कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये बोल रहे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। बच्चे शैतानी भी करते हैं लेकिन अच्छी भी लगती है, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो कहाँ फिर ये दिन वापस मिलेंगे। उसको गुदगुदी बहुत लगती है ना, मैं इसको गुदगुदी करूँगी तभी छोड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा गुदगुदी लगती है, इतनी ज़्यादा कि पूछो मत, आप उसे नहला नहीं सकते। और दोस्तों डिनर वगैरह करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे सब्जी लेने, क्योंकि सब्जी ख़त्म थी घर में और लंच वगैरह ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो हम और सुनील आ गए सब्जी लेने, तो खाने के बाद वॉक भी हो गई और सब्जी भी ले लेंगे। तो सब्जी तो बड़ी अच्छी अच्छी दिख रही है, ताजी हरी हरी। और थोड़ा लेट आओ ना, तो सब्जी मंडी खाली मिलती है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आओ ले लो। वैसे भी हमारी एक दुकान फिक्स है, उसी के यहाँ सब्जी हमारी पूरी हो जाती है, बाकी जो रह गया फिर और कहीं से लेते हैं अगर जो नहीं हुआ उनके पास। और दोस्तों ये कॉस्को स्पोर्ट फिटनेस कंपनी, जो कॉस्को के जो भी स्पोर्ट का सामान आप यूज करते हो ये कंपनी है, ये उसका गेट है, और ये सब्जी मंडी से जुड़ी हुई कंपनी है बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग भी कुछ ना कुछ तो यूज़ करते ही होगे, चाहे फिटनेस का सामान हो चाहे खेलने का सामान हो।